मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर सहित कई रेगिस्तानी इलाकों में जबरदस्त मूसलाधार बारिश बीते 24 घंटों के दौरान हुई है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। राजस्थान के कई जिले तो अभी चेरापूंजी बने हुए हैं। बादलों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कब आते हैं, कब बरस जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता। छोटे छोटे अंतरालों के बाद काली घटाएं आती रहती है और बारिश देती रहती है। जोधपुर में लगातार दूसरे दिन भी तेज बारिश हुई है। जालौर, पाली, नागौर, जैसलमेर सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। जालौर में भारी बारिश के बाद पहाड़ों में झरने बहने शुरू हो गए हैं। बरसाती नदियां भी उफान मारने लगी है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के भी कई बांधों का जल स्तर बढ़ चुका है। देखिए, पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान जालौर में सबसे अधिक पानी गिरा है। यहां बीते 24 घंटों के दौरान 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं नागौर के मेड़ता सिटी में भी 188 मिलीमीटर बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं पाली की बात करूं तो पाली के रानी, सरदार संबंध, बाली, सोजत में अच्छी बरसात के बाद जवाई बांध और हेमवास बांध का गेज भी बढ़ गया है। और पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में भी काफी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। जैसलमेर के रामगढ़ में सड़क को तोड़कर पानी निकालने की कोशिश की गई। चलिए अब जानते हैं आगे कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम। तो देखिए, मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज शाम या रात को पाली, नागौर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर यहां पर बारिश हो सकती है। जबकि कल यानी कि 28 जुलाई को अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्री गंगानगर जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट ये है, 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। यही थी प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। बाकी मिलेंगे कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।